जय हिंद साथियों, स्वागत है आज के इस ठंडा ठंडा मौसम में गर्मा गर्म करंट अफेयर्स के साथ। मैं पारा चंपारण वाले की तरफ से अवनीश पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, दो क्लास थोड़ी सी व्यस्तता के कारण आपकी जो है सो रह गई है करंट अफेयर्स की। आज हम लोग 7 और 8 दो डेट का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, 7 जनवरी और 8 जनवरी के करंट अफेयर्स को। इसलिए थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, हालांकि ज़्यादा लंबी क्या, थोड़ी सी लंबी तो होगी, लेकिन ध्यान रखेंगे ये दो डेट का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। सबसे पहला सवाल आपके पास पूछा गया है कि हाल ही में सरकार ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बना रही है। भारत सरकार जो है वह किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अब सवाल उठता है कि भारत जो है किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नहीं तो नॉर्मली भारत के पड़ोसी देशों की संख्या जो है वह कितनी है, तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 2 देश मालदीव, एक आपको इधर की तरफ आ जाएगा मालदीव, और ये श्रीलंका, ये 2 देश जलीय सीमा बनाते हैं, जबकि 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। ये हो गया पाकिस्तान के साथ, यहां पे हल्का सा आपको मिलेगा अफगानिस्तान का क्षेत्र, फिर इधर की तरफ ये टोटल चीन है, यहां पे आपको नेपाल है, इस क्षेत्र में आपका भूटान है, यहां पे आपको जो है सो कौन है, बांग्लादेश है, ठीक है, और इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा मालदीव, ये रेड वाला जो है यह आपको ध्यान रखना है, म्यांमार है ये रेड वाला, ठीक है। तो ये 7 जो देश हैं, इन 7 देशों के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। सिंपल सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होती है, तो इन क्षेत्रों से भी हम जो है सो आवाजाही निश्चित रूप से करते हैं। ये नेपाल है, भारत का ये सीमा हो गया नेपाल के साथ, क्लियर है। तो उस स्थिति में आपसे पूछा यह गया है कि इन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ भारत ने अपना व्यापार जो है वह खत्म करने की घोषणा की है, तो ध्यान रखेंगे सही आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार। ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है, ये रेड वाला आपका क्या है, म्यांमार है, और म्यांमार जो है भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका नागालैंड, फिर आपका जो है सो मणिपुर और फिर आपका मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। इन 4 राज्यों के साथ जो है यह सीमा साझा करता है आपका म्यांमार, ये ध्यान रखेंगे आंसर आपका सही हो जाएगा म्यांमार। अब सवाल उठता है कि क्या अगर ये अंतर्राष्ट्रीय मुफ्त आवाजाही व्यवस्था खत्म कर देगी सरकार, तो क्या व्यापार बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, जैसे आप देखते होंगे टोल प्लाजा वगैरह होता है, टोल टैक्स भर करके तब आप जा सकते हैं, तो उसी तरह से टोल प्लाजा की स्थापना होगी, और आपको जब भी आगे बात जाना होगा तो आपको टोल जो है सो भर करके तब आप आगे जा सकते हैं। बात समझ में आई, ये सबसे बड़ी जो है सो प्लस पॉइंट आपके साथ हो जाएगा। अगर हम म्यांमार की बात करें तो आप ध्यान दें कि म्यांमार और भारत का एक जो है सो बहुत बड़ा रिलेशन रहा है। अब बहुत बड़ा रिलेशन होने का मतलब क्या है, तो सामान्य तौर पे जब अंग्रेज भारत में शासन सत्ता चला रहे थे तो म्यांमार को अंतिम रूप से 1886 में भारत का हिस्सा बना लिया गया था, ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से भारत के हिस्सेदारी में जो है सो म्यांमार आ गया था, और उस समय इसको बर्मा के नाम से जाना जाता था। लेकिन हुआ ये कि आपको भारत शासन अधिनियम 1935 जब आई, तो 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में यह क्या हो गया, फिर से जो है सो भारत से अलग होकर के एक नया राष्ट्र, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में म्यांमार के रूप में जो है सो बनकर के तैयार हो गया, ठीक है, यानी म्यांमार के रूप में यह जाना गया। 1947 से यह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, म्यांमार के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। लेकिन अगर इसके स्वतंत्र राष्ट्र की हम बात करें, अंग्रेजों की शासन सत्ता वहां पर थी, यह केवल अलग होता है किससे, भारत से। अंग्रेज यहां से कब हटके जाते हैं, तो 4 जनवरी 1948 को, 4 जनवरी 1948 को यह पूर्ण रूप से क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है, यानी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है सो नामित होता है। इसके मुद्रा की अगर हम बात करें तो क्याटा जो है, क्याटा वह जो है इसके मुद्रा का नाम है। अगर हम इसके राष्ट्रपति की बात करें तो यू विन मिंट जो है, यू विन मिंट मिट वह म्यांमार के वर्तमान टाइम में राष्ट्रपति हैं, और क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो यह 40वां, क्षेत्रफल के अनुसार 40वां, और जनसंख्या के अनुसार 20वां देश है विश्व का, ठीक है, विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार 40वां और आपका जनसंख्या के अनुसार 20वां देश है म्यांमार, क्लियर है आपका, ध्यान से देख लीजिए, ये एशिया महादेश में पड़ता है म्यांमार आपका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड इसको कहा जाता है, फुल फॉर्म होता है IMF, जनवरी में किस देश को $700 मिलियन की बेल आउट किस्त जारी करेगा,
ठीक है, 700 मिलियन डॉलर की बेल आउट किस्त जारी करेगा कौन, तो आईएमएफ, इंडियन मॉनेटरी फंड, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको हिंदी में कहते हैं, और यह जो है संगठन है किसका, यूएनओ का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक संगठन है आईएमएफ, और इसी के द्वारा आपको जो है सो यह किस्त दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, तो पाकिस्तान को, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, आईएमएफ का मुख्यालय अगर देखा जाए तो आपको वाशिंगटन डीसी जो है इसमें आईएमएफ का क्या है, मुख्यालय है, वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ बेल आउट किस्त, बेल आउट किस्त क्या है, ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इकोनॉमिक्स का एक शब्द है कि जब भी कोई औद्योगिक इकाई या कोई देश आर्थिक रूप से रोगी हो जाता है या दिवालिया होने के कगार पर होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था उसकी डैमेज हो जाती है और वह दिवालिया होने के कगार पर होता है, तो उसको उस दिवालिया होने से बचाने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं यूएनओ के द्वारा या आईएमएफ के द्वारा, उसी को बेल आउट किस्त कहा जाता है, ठीक है। किसी भी सिस्टम को, यह जरूरी नहीं कि देश को, किसी भी औद्योगिक इकाई को भी अगर दिवालिया होने से बचाने के लिए जो पैसे, जो हेल्प, जो मदद, उसको आर्थिक मदद की जाती है, उसी को बेल आउट किस्त के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है कि क्लियर होगा, हो चुका होगा आपका। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान जो है हमारे भारत का ही हिस्सा रहा है, और भारत से क्या हुआ था, अलग हुआ था, और आपको जो है सो अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था। भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में रहने वाले लोग और वर्तमान टाइम में भारत में रहने वाले लोग, इन दोनों लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर के देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, और उसके बाद हम दोनों क्या हो गए थे, अपने अपने अलग हो गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है, सीमा रेखा, उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जो है सो इनके बीच की सीमा रेखा को हम लोग जानते हैं। क्लियर है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। हाल ही में इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली, बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ है, इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर रहा है, लगातार तीन सालों से पहले स्थान पर रहा है, कौन सा राज्य आपसे पूछा जा रहा है, किसमें, तो इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में, और वह राज्य है आपका कौन, तो उत्तर प्रदेश जो है सो वह राज्य है, ठीक है। अब यहां जो शब्द इस्तेमाल हुआ है इसको ध्यान से समझिए, इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली होता क्या है, तो सामान्य तौर पर जो राज्य है उस राज्य के अंदर अगर न्याय प्रणाली को व्यवस्थित करना है, बढ़िया से संचालित करना है, तो उसके लिए जरूरी है आपका पुलिस न, थाना न, न्यायालय और आपका फोरेंसिक, इन चारों चीजों का सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करना अनिवार्य है। लेकिन चारों अलग अलग चीजें हो गई, पुलिस अलग चीज हो गया, थाना अलग चीज हो गया, न्यायालय अलग चीज हो गया, फोरेंसिक अलग चीज हो गया। अब होता यह है कि मान लीजिए कि कोई केस, कोई किसी थाने क्षेत्र में आपको कोई घटना परिघटना घटित होती है, पुलिस उसमें जो है सो हस्तक्षेप करता है, उस जगह से मान लीजिए कोई मर्डर हो गया है, तो मर्डर हुआ तो उसको जो है सो फोरेंसिक के पास भेजा जाता है, फोरेंसिक लैब में सारी जो है सो जांच पड़ताल उसकी होती है, उसके बाद फिर न्यायालय में पहुंचता है, और इस प्रक्रिया में काफी लंबा समय लग जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, या फिर कोशिश की जा रही है कि पूरे देश की राज्य जो है वह इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल करके क्या करती है कि इन चारों को कनेक्ट कर देती है, यानी कि पुलिस को फोरेंसिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, फोरेंसिक को पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस ई माध्यम से यानी ऑनलाइन माध्यम से आपको जो है इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं एक दूसरे के पास स्थानांतरित हो जाती हैं, पुलिस जो है सो सूचना फोरेंसिक के पास पहुंचा दिया, फोरेंसिक डेड बॉडी में क्या क्यों डेड हुआ है ये जो है सो इंफॉर्मेशन आपको पुलिस तक पहुंचा दिया, पुलिस इसको जो है सो एविडेंस के रूप में न्यायालय तक पहुंचा दिया। अगर ये चारों पांचों साथ में मिलकर जब काम करते हैं तो न्याय प्रणाली होती है वो थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाती है और जल्दी से न्याय होने की संभावनाएं रहती हैं। और इस पर काम करते हुए पहला स्थान जो है सो प्राप्त किया है किसने, उत्तर प्रदेश राज्य ने। आपको इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया गया है, तो इसका सही आंसर है TCS, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसके द्वारा जो है राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम जो है शुरू किया गया है। ये राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम क्या है, तो एक्चुअली जो है ये मूल रूप से चिकित्सा प्रणाली के लिए शुरू किया गया है,
चिकित्सा प्रणाली के लिए। अब चिकित्सा प्रणाली में भी क्या, तो चिकित्सा से संबंधित जो मशीन होते हैं, चिकित्सा से संबंधित जो मशीन होते हैं, जैसे जांच के लिए जो मशीनरी सिस्टम होती है, उस मशीनरी सिस्टम के खरीद बेच के लिए यह शुरू किया गया है, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, यानी कि एक ही विंडो से, एक ही खिड़की से, विंडो मतलब खिड़की, यानी कि एक ही साइट से जा करके आप चिकित्सा से संबंधित किसी भी प्रकार के मशीनरी सिस्टम को खरीद सकते हैं और आप अपने पास ऑनलाइन के माध्यम से मंगवा सकते हैं। और इसके लिए जो इस सिस्टम को तैयार किया है वह कंपनी है आपकी TCS, टाटा की कंपनी है ये TCS कंपनी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखें तो सवाल है आपका, हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पे कुछ बातें, कोच्चि लक्षद्वीप, क्लियर है? इसके बाद यहां पे एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन ये क्या है, इन चीजों को समझिए। सामान्य तौर पर लक्षद्वीप जो है हमारे भारत के मुख्य भूमि से सटा हुआ नहीं है, अरब सागर में स्थित भारत का ही एक द्वीप है। और सिंपल सी बात है कि जब आप मुख्य भूमि से थोड़ा सा दूर होते हैं तो सरकार की पहुंच वहां पर थोड़ी सी कमजोर होती चली जाती है। हालांकि एक चीज समझिए कि लक्षद्वीप जो है वह अगर देखा जाए तो उस दृष्टिकोण से, यानी पर्यटकों को लुभाने के दृष्टिकोण से, बेहतर स्पेस, बेहतर जगह हो सकता है। ठीक है, हमारे भारत के बहुत सारे लोग कहां जाते हैं, कभी छुट्टी मनाना होता है तो हम लोग सीधा मालदीव जाते हैं, लेकिन यहां पर जो है आप लक्षद्वीप भी जा सकते हैं, लेकिन उसका उस तरह से विकास नहीं हो पाया है। और अभी हाल फिलहाल में आपको जो मालदीव की सरकार है उसने भारत के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा, फिर सरकार की नजर हमारे लक्षद्वीप पे गई है और धीरे धीरे आपको जो सो कहां पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भी जाएगी। तो सरकार की तरफ से आपको जो मोदी जी हैं वह जाकर के एक उद्घाटन किए हैं सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का। इससे होगा क्या कि लक्षद्वीप के अंदर भी जो इंटरनेट सेवाएं हैं वह बेहतर सुचारू तरीके से काम कर पाएंगी। अब सोचिए कि इंटरनेट सेवाएं जो है वह बेहतर नहीं थी कहां पर, लक्षद्वीप के तरफ। अब आप ही जाइएगा अगर कहीं पे छुट्टी वगैरह मनाने तो आप चाहेंगे ना भैया कि इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध हो, रात को जब हम सोए तो थोड़ा सा नेट वगैरह इस्तेमाल करो, वहां 2G चलने लगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जिसके कारण क्या हुआ कि मोदी जी जाकर के वहां पर इसका उद्घाटन किए हैं। अब जो है आपको लक्षद्वीप में भी इंटरनेट सुविधाएं जो है सो बेहतर चलेंगी। और आप देखिए मोदी जी, इनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, 75-76 साल के उम्र के हैं और आज के टाइम में ये जो है भी आपको मजा ले रहे हैं, किसमें, अरब सागर में। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये जगह जो है हमको काफी लुभा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी वहां पर व्यवस्थाएं करनी होंगी। कोई भी पर्यटक अगर जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए जाता है, और वहां जाने के बाद बर्डन बढ़ जाए, फोन ही नहीं लगे, इंटरनेट काम नहीं करे, तो नॉर्मल सी बात है कि हमारी जो पर्यटन व्यवस्था है वो ठप हो जाएगी। और उसी को व्यवस्थित करने के ऊपर सरकार ने फोकस किया है, और इसी फोकस के तहत सरकार का पहला प्रोजेक्ट आपको लक्षद्वीप में क्या हो गया है, शुरू कर दिया गया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है? रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाला जो देश है वह आपको भारत हो गया है। ठीक है, सबसे बड़े का मतलब है कि हमने एक ऐसी व्यवस्था तैयार किया है जिसके द्वारा हम लोग जो है क्या करेंगे, खगोलीय पिंडों को एक साथ एक ही जगह पर बैठ करके अनेक खगोलीय पिंडों का अध्ययन कर सकते हैं। और उसी के अध्ययन के लिए आपको जो है रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, और यह शुरू किसने किया है, भारत की सरकार ने इसको शुरू किया है। अगला सवाल है आपका, हाल ही में कौन सा देश 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, ध्यान रखिएगा यह एक आयोग है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, इसकी स्थापना आपको जो है 1946 में हुई थी। ठीक है, इसका सदस्य देश कौन बना है, तो भारत बना है। कितने वर्षों के लिए बना है, तो 4 वर्षों के लिए बना है। ठीक है, 1 जनवरी से इसका कार्यकाल शुरू हुआ है 2024 में, और आपको जो है 31 दिसंबर 2028 तक जो है यह उसका सदस्य बना रहेगा। क्लियर है? चलिए, वो जो था आपको 7 जनवरी का करंट अफेयर्स था। दोस्तों अगर करंट अफेयर्स का सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों में जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। और यकीन मानिए मैं आपको एक भी एक्स्ट्रा फालतू करंट अफेयर्स नहीं दूंगा। एक होता है कि करंट लेकर के आ गए, उलूल जुलूल सब कुछ पढ़ा दिए, हम आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। और जो भी पॉइंट्स होगा हम उसको बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे, ताकि जब आप किताब भी ले कभी मंथली तो आपको लगे कि नहीं यार लाजवाब, जैसे सब चीज तो हम पहले से जान रहे हैं। बात समझ में आया?
तो निश्चित रूप से आप इसको कवर करेंगे, बढ़िया लगे तो शेयर जरूर करिएगा। अगला है आपका, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट में किसका उद्घाटन किया है? जगदीप धनखड़ वर्तमान टाइम में हमारे क्या है, उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने किसका स्थान लिया, वेंकैया नायडू का स्थान लिया है, ठीक है, और वर्तमान टाइम में है कितने नंबर के, तो 14वें उपराष्ट्रपति हैं ये, क्लियर है। अब तक कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, और भारत के सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की खास बात ये है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार दो कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे थे। ध्यान रखिएगा, भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा का जो कार्यकाल होता है या विधानसभा का, वह कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। मैंने अगर दो कार्यकाल बोला है, इसका मतलब हुआ कितना वर्ष, 10 वर्ष हुआ, एक कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का। मैंने राज्यसभा नहीं बोला, मैंने विधान परिषद नहीं बोला, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप। लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, वह आपको एक कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए, इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन उन्होंने किया है, ठीक है, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024। एनसीसी की स्थापना भारत में 1948 ईस्वी में आपको जो है हुई थी। अब देखिएगा, जो बच्चे एनसीसी क्वालिफाई होते हैं उनको सेना में थोड़ी सी छूट मिल जाती है, क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत जो है सेना से रिलेटेड समझ एनसीसी में ही क्या किया जाता है, विकसित कर दिया गया होता है। तो जो 26 जनवरी को प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम में आपको एनसीसी भी अपना एक प्रदर्शन दिखाएगी, तो उसके रहने के लिए उसको सारी सुविधाएं आपको कहां दी जाएगी, तो आपको जो है सो दिल्ली कैंट के में उनको यह सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि वहीं पर रह करके वो अपना ट्रेनिंग वगैरह करेंगे और 26 जनवरी को अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाएंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस तो यह मनाया गया है कितने तारीख को, 5 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। सामान्य तौर पे आप देखिएगा, बहुत सारे पक्षी हमारे क्षेत्र से विलुप्त हो रहे हैं। जैसे आप बच्चे होंगे तो आपके घर के आसपास गौरैया बहुत मिलता होगा, झुंड के झुंड मिलता होगा, लेकिन आज के टाइम में गौरैया गायब हो रही है। ध्यान रखिएगा, पूरा जो सिस्टम, पूरा जो इन्वायरमेंट, पूरा जो वायुमंडल या फिर आप जैसे ब्रह्मांड बनाया है ना ऊपर वाले ने, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से बनाया है। अगर आप उसमें से किसी भी एक को डैमेज कीजिएगा तो फिर आपकी पूरी की पूरी सिस्टम क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि हमारा पाचन तंत्र, हम खुद उलूल जुलूल खा लिए, प्रॉब्लम पेट में होता है, लेकिन हमारा पेट के साथ साथ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो शरीर, ये टोटल का टोटल डैमेज हो जाता है, टोटल काम करना बंद कर देता है। मतलब यह है कि कोई भी सिस्टम अगर बना है तो उसको व्यवस्थित रखना जरूरी है, और लोगों में पक्षियों के प्रति जो है सो आदर भाव, प्यार विकसित करने के लिए, अपनापन विकसित, मानवता विकसित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यह हम मनाते हैं कितने तारीख को, तो 5 जनवरी को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, ध्यान रखिएगा एक शब्द इस्तेमाल हुआ, बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए $7.5 करोड़ का वित्तीय पैकेज बढ़ाया है। ठीक है, बुनियादी ढांचा का मतलब होता है, बुनियादी मतलब हुआ क्या, नींव, आवश्यकता की चीजें, जैसे रोड हो गया, सड़क हो गया, आपका रेलवे हो गया, स्कूल हो गया, बिजली हो गया, ये सब बुनियादी ढांचा होता है। तो बुनियादी ढांचों के पुनर्निर्माण के लिए, यानी पहले से जो बना हुआ है, जैसे रोड बना हुआ है, तो उसके मरम्मत के लिए, निर्माण का मतलब हुआ नया बनाना, पुनर्निर्माण का मतलब हुआ मरम्मत करना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बुनियादी ढांचों के पुनर्निर्माण के लिए $7.5 करोड़ का वित्तीय पैकेज बढ़ाया है, और वह देश है आपका कौन, नेपाल। नेपाल जो है ना भारतीयों के लिए मौसीहर जैसा है, भारत जो है मम्मी और नेपाल जो है हमारी मौसी। ठीक है, अब देखते होंगे यहाँ का, भारत के और नेपाल के लोगों का एक रिलेशन, बेहतर रिलेशन होता है, हम लोगों को वीजा पासपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं होती है जाने के लिए कभी भी नेपाल में। तो नेपाल को यह सुविधा देने के लिए भारत की सरकार ने, और पड़ोसी के साथ एक बेहतर रिलेशन होना चाहिए, पड़ोसी अगर दुख में है, तकलीफ में है, तो उसकी मदद होनी चाहिए, और इसी के तहत भारत सरकार ने $7.5 करोड़ का पैकेज नेपाल को प्रदान किया है। अगर आपसे नेपाल की बात हो जाए तो ध्यान रखेंगे, जब अंग्रेज भारत में शासन सत्ता चला रहे थे तो भारत ने कभी भी नेपाल को गुलाम नहीं बनाया। इसके पीछे कारण यह था कि नेपाल को गुलाम बनाने
अंग्रेज जो थे वो गुलाम बनाने आए ही नहीं थे, अंग्रेज एक व्यापारी थे और व्यापारी को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, नेपाल से उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलता। हाँ ध्यान रखिएगा, नेपाल के जिन क्षेत्रों से उनको रॉ मटेरियल मिलने वाला था उनके लिए उन्होंने क्या कर लिया, 1816 में एक संधि किया था जिसको हम लोग सगौली की संधि के नाम से जानते हैं, और प्रेजेंट टाइम में मैं आपकी क्लासेस बेतिया की पावन धरती से ले रहा हूं और यह कभी नेपाल का हिस्सा हुआ करता था। सगौली की संधि के द्वारा यह किसका हिस्सा हो गया, हमारे भारत का हिस्सा हो गया, ठीक है। तो ये नेपाल की संधि आपको जो है 1806 में हुआ था, यह आप याद रखेंगे, किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था, इसको सगौली की संधि के नाम से जाना जाता है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 4,800 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है, 4,800 करोड़ की किस योजना को मंजूरी प्रदान की है, तो ध्यान रखेंगे आप, योजना का नाम है आपको पृथ्वी विज्ञान योजना, पृथ्वी विज्ञान योजना। एक्चुअली भारत सरकार का एक मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है, उस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा यह योजना को मंजूरी प्रदान किया गया है। अब आप कहेंगे सर इसका क्या फायदा, ये पृथ्वी विज्ञान योजना से क्या होता है, तो एक्चुअली हमारे पृथ्वी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो जानने पे जो खर्चा होगा उसके लिए, इसके अलावा समुद्री संसाधनों का दोहन करने के लिए, पृथ्वी के अंदर जो खनिज पदार्थ है उसका, उस संसाधनों का दोहन करने के लिए जो खर्च वगैरह आता है, उन सभी खर्च को वहन करने के लिए जो है सो यह अमाउंट, यह प्रोजेक्ट लाया गया है, और किसके द्वारा, तो पृथ्वी विज्ञान दिवस के द्वारा, ध्यान रखिए योजना के द्वारा, ध्यान रखेंगे पृथ्वी विज्ञान योजना जो है यह महासागर मंत्रालय था उसका नाम 2008 में बदल करके पृथ्वी विज्ञान योजना मंत्रालय या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 2008 से काम कर रहा है, और 17वां जो है सो इसका यह दिवस था जब हम लोगों ने क्या किया, आपको जो है सो जुलाई 2023 में इसका 17वां दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस देश ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के दो द्वीपों के निकट 200 से अधिक गोले दागे हैं, तो भैया पड़ोसी दागेगा, गोला गोली दागने का काम जो है वह किसका है, उत्तर कोरिया का है। यहाँ का जो तानाशाह है किम जोंग आप जानते ही होंगे, पगला है वो, पूरा जो है सो बालूल कटवा के मुर्गा कट रखता है, मोटे मोटे है वह, जो है सो हाफ दिमाग का आदमी है, उसी ने जो है इस द्वीप पर जो है 200 गोला दगवा दिया। क्यों, तो ये चाहता है कि चारों तरफ खौफ बना रहे, लोग हमसे डर करके रहे। और उत्तर कोरिया आपको मैंने पिछले वाले वीडियो आप अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको दिखाया था, चीन के पूर्व साइड में आपको जो है सो सटा हुआ क्षेत्र है जिसमें से इस दो भाग में बट, पहले कोरिया था अब दो भागों में बट गया है, ऊपर वाले को उत्तर कोरिया, नीचे वाले को दक्षिण कोरिया कहते हैं। दक्षिण कोरिया जो है यह सबके साथ बेहतर रिलेशन रखता है, लेकिन यह जो है सबके साथ जो है मारपीट करने में लगा हुआ रहता है, तो इसने जो है यानी उत्तर कोरिया वाले ने दक्षिण कोरिया वाले पे दागा है। अगला है, हाल ही में भारत किसकी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है, भारत जो है किस रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचा है, तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 में यह जो है पहली रैंकिंग में पहुंच गया है, यानी कि टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसमें हम पहले स्थान पर हैं, अगला 25 में होने वाला है, इसलिए 23-25 आपको लिखा गया है, यह क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया है, ठीक है, चंदूबी महोत्सव आप देख रहे हैं, ये जो है एक मैंने चित्र डाला हुआ है, इसमें कुछ महिलाएं डांस कर रही हैं, नाच कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, तो यह मनाया गया आपको असम में, और ध्यान रखेंगे असम में 1 जनवरी से लेकर के और 5 जनवरी तक वहां की कुछ आदिवासी जनजाति हैं उनके द्वारा चंदूबी झील के पास, ये झील का भी नाम है ध्यान रखेंगे चंदूबी झील, और पूछ दिया कभी एग्जाम में कि किस राज्य में है, तो ध्यान रखेंगे कि यह असम राज्य में है, चंदूबी झील के पास 5 दिनों तक अपनी सांस्कृतिक कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए अपने सांस्कृतिक प्रोग्रामों को ये लोग करती हैं, उसी को हम लोग जो है सो चंदूबी महोत्सव के नाम से जानते हैं, हुआ कहां पे है, असम में हुआ है, क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया है, 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, किसने, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। देखिए वर्तमान टाइम में जो केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल में अगर कोई ईमानदार, सबसे ईमानदार बंदा है, नेता है, तो वो है आपके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, और इनके कार्यकाल में
आपको जो है राजमार्गों का जितना जबरदस्त विकास हुआ है उतना जबरदस्त विकास जो है सो किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा आपको 12 राष्ट्रीय राजमार्गों परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास जो है वह कहां किया गया है, केरल में। क्यों किया गया है? ताकि केरल और तमिलनाडु के बीच में निर्बाध आवाजाही और सामानों का जो है सो खरीद बेच हो सके, इसके लिए जो है सो इस योजना का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कितनी 12 राष्ट्रीय राजमार्ग योजना यहां पे दिया गया है, 12 राष्ट्रीय राजमार्ग योजना का उद्घाटन यहां पर किया गया है, क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दीव के घोघला बीच पर किसका उद्घाटन किया है। दीव के घोघला बीच पर, देखिए ये भारत है और भारत का मैंने ये पश्चिमी तट दिखाया है आपको, ये अरब सागर है और भारत के ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, ये गुजरात है और यहां पे आपको कुछ ब्लैक दिख नहीं रहा होगा, मैं बना देता हूं, ये ब्लैक वाला जो है यह दीव है, ठीक है। इसी दीव के घोघला बीच पर जो है अनुराग ठाकुर ने आपको एक गेम का उद्घाटन किया है, उस गेम का नाम क्या है, तो बीच गेम्स 2024, ठीक है। बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन कहां किया गया है, दीव के घोघला बीच पर किया गया है। किसने किया है, तो वर्तमान में जो खेल मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने ही किया है। दीव की अगर बात की जाए तो यह ध्यान रखेंगे, शुरू से ही जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ तो आगमन होने के बाद शुरू से ही पुर्तगाल के अधीन दीव रहा और अंत तक यह पुर्तगाल के अधीन ही रहा, ठीक है। 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा 53 में आपको जो है सो इसको क्या किया गया, आजाद करवाया गया, किससे, पुर्तगालियों से। बात समझ में आया। वर्तमान टाइम में दीव प्लस दमन प्लस दादर और नगर हवेली ये जो है आपको एक ही केंद्र शासित राज्य बना दिए गए हैं, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर के एक ये वो केंद्र शासित राज्य है और वो केंद्र शासित राज्य का जो की जो राजधानी है वह दमन है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक किस देश ने घोषित किया है, तो वह देश है आपका कौन, किर्गिस्तान। हिम तेंदुआ का मतलब होता है वैसा तेंदुआ जो बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ में रहता हो, वैसे तेंदुओं को राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया है, किसके द्वारा, किर्गिस्तान के द्वारा। किर्गिस्तान जो है मध्य एशिया का एक देश है, उसका प्रतीक चिन्ह जो है इसमें आपको सूर्य दिखाई दे रहा होगा और ये जो सूर्य की रोशनी है ये इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है वर्तमान टाइम में आपको 40 इसकी संख्या है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये मैंने एशिया महादेश को लिया है, एशिया महादेश में आपको जो रेड वाला दिख रहा है यही क्या है, यही आपका किर्गिस्तान है, ठीक है। आपको चीन के साथ ये जो लंबा चौड़ा सीमा साझा करता है और ये कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था जिससे इसको आजादी दी गई थी, सोवियत संघ से आजाद होने वाला देश है। सामान्य तौर पे पामीर का पठार, इसके अधिकांश क्षेत्रों में आपको पामीर का पठार स्थित है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू करने की घोषणा की है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, तो यह राज्य जो है आपका कौन है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक जगह है गढ़ा, ठीक है। एक टाइम था जब गढ़ा राजवंश हुआ करता था, उसी गढ़ा राजवंश की जो है महारानी थी रानी दुर्गावती, जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी और ये मध्य प्रदेश की हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने इनके नाम पर श्री अन्न योजना को शुरू किया है ताकि जो भी निर्धन लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले लोग हैं, उनको अन्न की प्राप्ति हो सके, भोजन मुहैया हो सके। अगला है, हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किस पुस्तक का अनावरण किया है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप किस पुस्तक का अनावरण जो है आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे पुस्तक है आपका क्या है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत। पुस्तक का नाम क्या है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसको लिखा किसने है, तो ध्यान रखिएगा इसको लिखने वाली है गीता सिंह और इनके साथ में एक और लेखक है आरिफ खान भारती,
ठीक है, इन दोनों आदमी ने मिलकर के एक पुस्तक लिखा है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, और इसको लिखा कि इसका विमोचन किसने किया, तो ध्यान रखेंगे केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, इनके द्वारा जो है सो इसका क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में कौन यूरोपीय निवेशक बैंक की अध्यक्षता अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है, तो नादिया कैल्विनो, नादिया कैल्विनो जो है वो यूरोपीय निवेशक बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है, इससे पहले कोई महिला उस बैंक की अध्यक्ष नहीं रही है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के वाचो शिल्प को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग का दर्जा मिला है, तो ये आपको वाचो शिल्प जो है या किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश का है। एक चीज ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का जो ये वाचो शिल्प है यह एक्चुअली है क्या, तो वाचो शिल्प जो है लकड़ी से बनी हुई आकृति यानी कि लकड़ियों पर बनी हुई आकृति जो है उसको जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ में अरुणाचल प्रदेश के दो और, अरुणाचल प्रदेश का अदरक, आपने सुना होगा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो ये अदरक वही अदरक की बात हो रही है, आदि की बात हो रही है अदरक, और साथ में जो हस्तशिल्प कालीन होते हैं, कालीन जैसे आप किसी के घर में जाइएगा तो पैर पोछने के लिए जो नीचे रखा होता है वो कालीन ही है, कालीन का छोटा सा, या फिर आपके घर में दरी सबसे नीचे बिछाया जाता है, ठीक है, या घर में आप देखिए किसी घर में बीच में खाना वगैरह जो टेबल लगता है उसके नीचे रखा होता है कालीन, उसी को कालीन कहते हैं, तो हस्तशिल्प कालीन, कालीन इसको भी जीआई टैग मिला है। ये तीनों कहां के हैं, अरुणाचल प्रदेश के, ध्यान रखिएगा। यहां पे वाचो शिल्प जो है या लकड़ियों से बनी हुई आकृति को कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश का अदरक और अरुणाचल प्रदेश का हस्तशिल्प कालीन जो है, इन तीनों को जीआई टैग दिया गया है। तीनों किस राज्य से, अरुणाचल प्रदेश से, क्लियर है। चलिए इसी के साथ आपका करंट 7 और 8 जनवरी वाला खत्म होता है। 9 जनवरी को सुबह हम लोग 9 जनवरी का करंट अफेयर्स लेकर के सुबह 6 बजे हाजिर होंगे। हर दिन 6 बजे आपका करंट आएगा, निश्चित रूप से इसको कवर करेंगे। आप वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको शेयर कीजिए दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, आप अपना स्टेटस लगाइए, जैसे शेयर करना है शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो, अगर खराब लगता है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आखिर क्या खराब लगता है। अगर कुछ और भी आप जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट करके हमको बताइए, हम निश्चित रूप से आपको जानकारी देंगे। थैंक यू।